सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज है 19 जनवरी, तो आज हम 19 जनवरी की कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपस पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन द बुक गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपसेस? एम जे अकबर, आशीष कुंद्रा, नारायण बागुल या राम माधव? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एम जे अकबर। अब बात किताबों की हुई हैं, तो हम रीसेंट ईयर में जो भी नई किताबें हैं जो लॉन्च की गई हैं उनके ऑथर्स को देखेंगे। जैसे संजीव सान्यल के द्वारा बुक लिखी गई थी रेवोल्यूशनरीज, डॉक्टर ए के द्विवेदी द्वारा लिखी गई ह्यूमन एटोनॉमी, काकी माधव राव के द्वारा लिखी गई ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी, शशि थरूर ने लिखी है अंबेडकर अ लाइफ, के अब्दुल गफ्फार ने लिखी है अनजान साक्षी, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। प्रिंस हैरी ने लिखी है स्पीयर किताब। अरविंद मंडोली ने लिखी है जादूनामा, जो कि जावेद अख्तर की एक बायोग्राफी है। सुभ्रा गुप्ता ने लिखी है इरफान खान के ऊपर, जो कि एक एक्टर हैं, अ लाइफ इन मूवीज। डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने लिखी है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। मेघनाथ देसाई ने लिखी है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये कुछ किताबें हैं रिसेंट ईयर में ये लॉन्च हुई थी, तो इनके हमने ऑथर्स देख लिए। ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयोध्या का आयोजन किया गया? द फर्स्ट नेवल बायलेटरल एक्सरसाइज अयोध्या वॉज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, बांग्लादेश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। तो हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयोध्या का आयोजन किया गया है। मिलिट्री एक्सरसाइज की बात हुई है, सैन्य अभ्यासों की बात हुई है, तो उनके बारे में जान लेते हैं जो 2023 और 2022 में मिड 2022 तक हुए थे, उनके बारे में जान लेते हैं। ब्राइट स्टार 2023 एक्सरसाइज, इसमें पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। ये कहाँ पर हुई थी? तो ये मिस्र में हुई थी, ब्राइट स्टार 2023 एक्सरसाइज। तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज होगी इसलिए एयरफोर्स ने इसमें हिस्सा लिया है। कहाँ पर हुई है? मिस्र में हुई है। ऑस इंडेक्स, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुई है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुई है। ऑस इंडेक्स ये किसके बीच में हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ है। ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पर है? तो ये सिडनी में हुई है। सी कैट एक्सरसाइज 2023 ये कहाँ पर हुई है? ये सिंगापुर में हुई है और इसमें पहली बार इंडिया ने हिस्सा लिया है सी कैट एक्सरसाइज में। तरंग शक्ति, ये तरंग शक्ति एक्सरसाइज 2024 में होनी है, ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। जायद तलवार एक्सरसाइज, ये इंडिया और यूएई के बीच में हुई है। जायद तलवार एक्सरसाइज इंडिया और यूएई के बीच में होनी कहाँ पर है? ये दुबई में होनी, दुबई में हुई थी। तलिस्मान सेबर एक्सरसाइज, ये भारत पर्यवेक्षक देशों के बीच में हुई है, मतलब एक तरीके से भारत इसमें पर्यवेक्षक देश बना है। ये कहाँ पर हुई है? ये ऑस्ट्रेलिया में हुई है। कोमोडो एक्सरसाइज, इसमें इंडिया ने हिस्सा लिया, ये कहाँ पर हुई थी? इंडोनेशिया में हुई थी। जीमैक्स एक्सरसाइज, ये जापान और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है, ये कहाँ पर हुई है? विशाखापट्टनम में हुई है। साल्वेक्स, ये यूएसए और इंडिया के बीच में हुई, कहाँ पर? कोची, यानी कोची केरला में हुई। और देख लेते हैं एक्सरसाइज। फिनजेक्स, ये फ्रांस और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज हुई, ये हुई कहाँ पर है? तो केरला के त्रिवंतपुरम में ये एक्सरसाइज हुई है। एफ इंडेक्स, यानी कि ये अफ्रीका के 20 देशों और इंडिया के बीच ये एक्सरसाइज हुई है, ये कहाँ पर हुई है? पुणे में हुई है, पुणे के औत सैन्य स्टेशन में हुई है। डस्टलिक एक्सरसाइज, डस्टलिक एक्सरसाइज ये हुई है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, और हुई कहाँ पर है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई है। साइक्लोन एक्सरसाइज की बात करें तो ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई है, ये हुई कहाँ पर थी? तो ये राजस्थान में हुई थी। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज, ये इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, ये हुई कहाँ है? अब की बार ये अलास्का में हुई है, यूएसए के अंदर। एफटीएक्स एक्सरसाइज 2023, इसमें भारत ने हिस्सा लिया, ये कहाँ पर हुई? ये हुई है मॉस्को में, मॉस्को रसिया में। अभ्यास चक्रवात 2023, ये इंडिया नेवी की एक्सरसाइज है, यानी कि भारत की नौसेना की एक एक्सरसाइज है, जो कि कहाँ पर हुई है? गोवा में हुई है। संप्रीति 11, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है, इसका 11वां संस्करण हुआ है, कहाँ पर हुआ है? मेघालय के उमरोई में हुआ है। एसएक्स की बात करें तो ये पहला एशियन, जो आसियान है, एशियन संयुक्त
सैन्य अभ्यास हुआ है इंडोनेशिया के अंतर्गत इंडोनेशिया के अंदर नातुना द्वीप समूह में। हरिमऊ शक्ति अभ्यास ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। ये कहाँ पर हुई है? मेघालय के उमरोई में हुई है। मिलन 24, मिलन का 24वां संस्करण हुआ है, ये इंडियन नेवी के द्वारा होती है। ये कहाँ पर हुई है? विशाखापट्टनम में हुई है। कजिंद ये एक्सरसाइज कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई। कहाँ पर है? उत्तर कजाकिस्तान में हुई है। अस्त्र शक्ति अभ्यास ये इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है, हुई कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के एयरफोर्स स्टेशन पर हुई है। मित्र शक्ति अभ्यास, मित्र शक्ति अभ्यास ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाला एक एक्सरसाइज है, ये कहाँ पर हुई है? पुणे के औध सैन्य स्टेशन में हुई है। ऑस्ट्रा हिंद नाम से पता चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, ये हुई कहाँ है आपकी बार? ये पर्थ में हुई है। पर्थ कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। सूर्य किरण अभ्यास ये भारत और नेपाल के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है, ये कहाँ पर हुई है? पिथौरागढ़ में हुई है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। हाल ही में किसने स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? तो किस टीम ने स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है हमें बताना है। ऑप्शन है बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, अल नसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रियल मैड्रिड। तो हाल ही में रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल का टूर्नामेंट जीत लिया है। और फुटबॉल के सारे कप वगैरह मैंने कल की वीडियो में ही आपको रिवाइज कराए हैं, तो आज हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75th एमी अवार्ड, ये एमी अवार्ड किससे रिलेटेड है? ये एमी अवार्ड रिलेटेड है किससे? टेलीविजन के क्षेत्र से, टेलीविजन के क्षेत्र से संबंधित है। इसमें उत्कृष्ट जो भी काम करता है उसके लिए दिए जाते हैं एमी अवार्ड्स। और ऐसे एक कौन से अवार्ड्स होते हैं जिनका नाम है ग्रैमी अवार्ड्स? ये ग्रैमी अवार्ड्स किस में दिए जाते हैं? ये सिंगिंग के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऐसे ऑस्कर अवार्ड किस में दिए जाते हैं? ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं उत्कृष्ट फिल्मों के लिए दिए जाते हैं, सिनेमा के लिए दिए जाते हैं। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 75th एमी अवार्ड 2024 में किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का, विच सीरीज वॉन द एमी अवार्ड फॉर द बेस्ट ड्रामा सीरीज एट द 75th एमी अवार्ड्स 2024? सक्सेशन, द बियर, बीफ या अंडो? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सक्सेशन। तो हाल ही में सक्सेशन जो सीरीज है इसने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए एमी पुरस्कार जीता है। और ये कौन सा वह संस्करण है इसका? 75th यानी कि 75वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने निप्पा वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया है? तो किस यूनिवर्सिटी ने निप्पा वायरस जो है, जो कि किससे फैलता है ये वायरस, ये भी देख लेते हैं। ये फैलता है फ्रूट बैट्स से, यानी कि जो चमगादड़ फलों को खाती हैं उनसे ये निप्पा वायरस फैलता है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु कंडक्टेड द फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल ऑफ निप्पा वायरस वैक्सीन? तो ऑप्शन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, याली यूनिवर्सिटी या पेकिंग यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी निप्पा वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है? विच स्टेट हैज स्टार्टेड माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या गुजरात? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात किसकी हुई है? हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की हम सारे जो भी फैक्ट्स हैं वो जानेंगे। अब हिमाचल प्रदेश में पौंग बांध है जो कि ब्यास नदी पर बना हुआ है, पंडोह बांध है, भागड़ा नागल बांध है, ये दोनों बांध किस पर बने हुए हैं? सतलुज नदी पर बने हुए हैं। चमेरा बांध है जो कि रावी नदी पर बना हुआ है। अभी हाल ही में यहाँ पर GI टैग मिले हैं तो उनको देख लेते हैं। यहाँ के चंबा रुमाल को, कांगड़ा पेंटिंग को, कुल्लू सॉल को, चंबा चप्पल और लाहौली में बने हुए मोजी यानी कि दस्ताने, इनको GI टैग मिला है। अभी हाल ही में इसकी जो एक चाय है कांगड़ा चाय, उसको भी यूरोपियन GI टैग मिला है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ के नेशनल पार्क देख लेते हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबलबारा नेशनल पार्क हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। राज्य पशु की बात करें तो राज्य पशु है हिम तेंदुआ, राज्य पक्षी है जुजराना जिसको वेस्टर्न ट्रोगोपेन भी कहते हैं, राज्य वृक्ष क्या है? देवदार, राज्य फूल है गुलाबी ब्रांस
और पिंक रोंटोरोंटन। यहाँ की कुछ लोकल फोक डांस हैं, यानी कि यहाँ के जो होते हैं लोक नृत्य, वो लोक नृत्य में कौन कौन से आते हैं ये देख लेते हैं। नाटी, डांगी, छपेली, झोरा, झोरा भी आता है, एक आता है झमकरा, झाली, झाली आता है एक, झाली, झाली, झोरा, झमकरा, नाटी, डांगी, छपेली, ये कुछ डांस हैं, लोक नृत्य हैं हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम और स्टैटिक देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल हैं, समर कैपिटल क्या है शिमला, विंटर कैपिटल क्या है धर्मशाला। यहाँ के सीएम कौन है सुखविंदर सिक्कू, जिनका की संबंध किससे कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर कौन है शिव प्रताप शुक्ला। यहाँ पर हमें तीन दर्रे देखने को मिल जाते हैं, सिपकीला, रोहतांग दर्रा और बड़ालाचला। यहाँ की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर चार लोकसभा सीट हैं, तीन राज्यसभा की सीट हैं और 68 विधानसभा की सीट हैं। इसका गठन कब हुआ था हिमाचल प्रदेश का, तो 25 जनवरी 1971 में इसका गठन हुआ था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं। अब जो रीसेंट करंट अफेयर्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश न्यूज़ में रहा था, उन करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तो हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना चालू की गई हिमाचल प्रदेश में, सशक्त महिला ऋण योजना चालू की गई, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना चालू की गई, नारी को नमन योजना चालू की गई, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना चालू की गई, संजीवनी परियोजना यहीं चल रही है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना यहीं चल रही है। तो ये कुछ योजनाएं जो यहाँ चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है, तो ये 2025 तक ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है हिमाचल प्रदेश ने। अगर इसी के साथ जाने तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है, तो इसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, ग्रीन प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है, इसीलिए 0% कार्बन इमिट करता है हिमाचल। तो ये लक्ष्य पा रहा है किसका, ग्रीन प्रदेश बनने का 2025 तक। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया, इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध भी हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक योजना चालू की है जिसका नाम क्या है, हिमकेयर। तो इस योजना को आप याद भी रख सकते हो क्योंकि इसके नाम में ही हिम है, तो हिमकेयर हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो हिमाचल प्रदेश बना है ई कैबिनेट प्रणाली चालू करने वाला। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भी पहला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश के तसीगांग जिले में है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थी, कुछ रीसेंट जो न्यूज़ रही थी जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश न्यूज में रहा था, वो हम भी हमने कवर कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में धनु यात्रा त्यौहार कहां शुरू हुआ है, वेयर डिड धनु यात्रा फेस्टिवल स्टार्टेड, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। तो उड़ीसा में मनाया जाता है धनु यात्रा त्यौहार। अब उड़ीसा के और महत्वपूर्ण जो महोत्सव हैं, उत्सव हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनको जान लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है नुआखाई फेस्टिवल। ये पीछे महिलाएँ ये कौन सा डांस कर रही हैं, ये नुआखाई के महोत्सव पर किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। रजा पर्व महोत्सव, बाली यात्रा महोत्सव, अब यहाँ पर बाली यात्रा है और एक धनु यात्रा है, धनु यात्रा, तो इसे याद रखना कि यात्रा और यात्रा वाले कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। बट अब इसमें यह कन्फ्यूजन हो जाना कि एक और डांस है जिसका नाम है ढोल यात्रा, ढोल यात्रा। ये ढोल यात्रा उड़ीसा का मत कर देना, ढोल यात्रा कहाँ का है, ये है वेस्ट बंगाल का, ठीक। ढोल यात्रा गंभीरा और आपका कीर्तन, ये कहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल के। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, इसीलिए यहाँ पर कोणार्क नृत्य महोत्सव भी मनाया जाता है। छऊ महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, बोईता वंदना महोत्सव मनाया जाता है, शीतल छठी पर्व मनाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख त्यौहार हैं जो कि कहाँ मनाए जाते हैं, उड़ीसा में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा बना है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग विच इज़ द स्टेट दैट हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट पॉवर्टी रिडक्शन, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान।
तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है। इसके द्वारा बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश है इसमें सबसे कम गरीबी को मापा गया है। सबसे कम गरीबी कहां पर देखने को मिली है? उत्तर प्रदेश। इसमें कमी हुई है, जो गरीबी पहले थी 2011 में जो गरीबी थी उससे कमी देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर कौन सा है? बिहार। दूसरे नंबर पर कौन सा है? बिहार। अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, तो मोदी, नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बैरी हैं। सीईओ यहां के इसके बीवीआर सुब्रमण्यम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कश्मीर में झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? आफ्टर होम वॉज द नेम ऑफ झेलम स्टेडियम चेंज इन कश्मीर। सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, बिपिन रावत, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिपिन रावत। अब बिपिन रावत के नाम पर बहुत सारी चीज़ें के नाम बदले गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। बिपिन रावत जी के सम्मान में नेपाल के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगी है। अरुणाचल प्रदेश के सैन्य कैंप का नाम बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में एक सैन्य कैंप है, उसका नाम बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म बुक लिखी गई है, जो कि रचना विष्ट रावत द्वारा लिखी गई है। तो बिपिन रावत जी के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ये किताब किसने लिखी है? रचना विष्ट रावत। अब बात स्टेडियम की हुई है तो देख लेते हैं किन किन स्टेडियम के नाम बदले गए हैं और क्या नई चीज़ें स्टेडियम में लगाई गई हैं, उनको देख लेते हैं हम। वानखेड़े स्टेडियम में, जो कि मुंबई में है, इसमें सचिन की प्रतिमा लगाई है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है। मोहाली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर इसको रख दिया गया है। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? तो राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम है। रायबरेली का हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया? रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम। पुणे का आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। इंग्लैंड के लीसेस्टर ग्राउंड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। तो ये कुछ नाम बदले गए हैं स्टेडियम्स के, वो हमने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जनवरी 2024 में भारतीय सेना ने आतंकियों को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाई द इंडियन आर्मी टू एलिमिनेट टेररिस्ट इन जनवरी 2024? ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन सर्द हवा और गर्म हवा, ऑपरेशन उपलब्ध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑपरेशन ओमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्ति, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ ऑपरेशन चलाए गए हैं रेलवे के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा, उनको देख लेते हैं। इससे पहले भी कल मैंने बहुत सारे ऑपरेशन कराए थे, कुछ और ऑपरेशन रह गए हैं उनको हम आज कवर करेंगे। ऑपरेशन चक्र 2, ये किसके द्वारा चलाया गया? सीबीआई के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन अमृत, ये केरल के द्वारा चलाया गया, ये हमने कल ही देखा था। ऑपरेशन आहट, ये रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन उपलब्ध, ये भी रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन सरदा हवा, ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। और ऑपरेशन ओलिविया, ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चलाया गया। तो ये कुछ ऑपरेशन हैं जो हमने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? Where was the India International Science Festival 2023 organized? उत्तर प्रदेश, पंजाब, लद्दाख, हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है। इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो कैसी लगी है वो कमेंट में आप हमें बताएं, और चैनल को ग्रो करने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।